सवाल ये कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत से जिना किया और उस औरत से लड़की पैदा हुई हो, तो क्या वो शख्स अपनी मनकुआ, अपनी बीवी से पैदा होने वाले लड़के के साथ उस जिना के जरिए पैदा होने वाली लड़की का निकाह कर सकता है या नहीं कर सकता? तो शरण जवाब ये कि वह ऐसा नहीं कर सकता। बाप होना या औलाद होना, वो शरीय निकाह के जरिए से पैदा हो औलाद, या वो वालिदैन औलाद जो है वो जिना के जरिए से पैदा हो या निकाह के जरिए से पैदा हो, बाहर सूरत वो वालदैन ही समझे जाएंगे, अगरचे नसब नहीं होगा, उस तरफ नहीं जाएगा, और वो आपस में भाई समझे जाएंगे और उनका निकाह जो है वो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये बाज़ियत वाला कानून जो फिका अनफी का है कि जैसे जिना के जरिए उर्मत मुसाहरत भी साबित हो जाती है, यानी अगर मर्द किसी औरत से जिना कर ले तो उन दोनों के बड़े और उन दोनों की औलाद आपस में बाम एक दूसरे के ऊपर हराम हो जाती है, तो इस तरह अगर जिना से पैदा होने वाली बेटी हो उसी की, तो अपनी बीवी से पैदा होने वाले बेटे के साथ वो निकाह उसका नहीं हो सकता, अगरचे शरण उनको हम बहन भाई नहीं कह सकते, लेकिन वह जुज़ियत और बाज़ियत वाला कानून होगा और ऐसा करना जायज़ नहीं है।